हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड, आज का पजल ट्रिक्स नंबर 268, चलिए देखते हैं क्या है। चैनल बनाया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड, आज का पजल है मैजिक ट्रायंगल। यस फ्रेंड, कैन यू सॉल्व दिस मैजिक ट्रायंगल? सम ऑफ 30 और नंबर हमें यूज करना है फ्रेंड, अल्टरनेट ऑड नंबर 1 से लेके 17, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 17 को यूज करते हुए हमें मैजिक ट्रायंगल क्रिएट करना है। तो वीडियो को वॉच करके ट्राई जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। वो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लिए होंगे, कमेंट और फीडबैक अपने शेयर कर दिए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि फाइनली कैसे हम लॉजिक अप्लाई करेंगे इस मैजिकल ट्रायंगल को क्रिएट करने के लिए। फ्रेंड्स, हमें मैजिक ट्रायंगल बनाना है सम ऑफ 30 बाय यूजिंग दिस नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। तो फ्रेंड, इसके लिए हम क्या ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर फ्रेंड आपको सम ऑफ 10, सम ऑफ 20 या सम ऑफ 17 का मैजिक ट्रायंगल चाहिए, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में ट्रिकी पजल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने फ्रेंड जो ट्रिक्स अप्लाई किए थे, वहाँ पे क्या थे, कंजुकेटिव नंबर थे, इसलिए मैंने एवरेज लेके वहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई किया था। यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट नंबर है और वो भी ऑड। तो अल्टरनेट ऑड नंबर का ट्रायंगल सम ऑफ 30 को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं फ्रेंड। इसके लिए हमें करना क्या है फ्रेंड, फर्स्ट लेट ऐड द नंबर। अगर हम ऐड करते हैं 1, 3, 5, 9, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, अगर हम फ्रेंड इसे ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा आपका 81, राइट। और अ सम ऑफ ऑल साइड्स के कितने हो रहे हैं ऑफ दिस ट्रायंगल इज, सम ऑफ ट्रायंगल कितने हो रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड, इस साइड भी 30 है, इस साइड भी 30 एंड इस साइड भी 30, तो टोटल सम हो गया हमारा 90, राइट। अब 90 में फ्रेंड अगर आप ध्यान देंगे, इस साइड और इस साइड को अगर हम चेक करेंगे तो ये नंबर दो बार काउंट हो रहा है। अगर हम इस साइड का सम और इस साइड के सम को देखेंगे तो ये नंबर दो बार काउंट हो रहा है। सिमिलरली ये नंबर भी दो बार काउंट हो रहा है, इट मीन्स कॉर्नर जो नंबर है वो दो बार काउंट हो रहा है इन द सम ऑफ 90, राइट फ्रेंड। तो सम ऑफ नंबर इन कॉर्नर का कितना होना चाहिए, पहले थ्री नंबर कॉर्नर के कितने हो रहे, थ्री नंबर इन द कॉर्नर कितने काउंट हो रहे, इट्स काउंटिंग विल काउंट ट्वाइस इन द सम ऑफ 90, राइट फ्रेंड्स। 90 के सम में जो कॉर्नर है वो दो बार आपका काउंट होता है, राइट फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ थ्री कॉर्नर एक्चुअली होना कितना चाहिए, तो सम ऑफ थ्री कॉर्नर्स, जो सम ऑफ थ्री कॉर्नर इन द सम ऑफ नंबर सम ऑफ नंबर इन थ्री कॉर्नर एक्चुअली में होगा हमारा, अगर हम 90 में से टोटल है 90, इसमें रिपीट हो रहा है सिक्स आपका कॉर्नर्स नंबर, और 81 से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। एक्चुअली में सम ऑफ कॉर्नर है 9, जो कि दो बार नंबर रिपीटेशन के साथ है। तो इसीलिए फ्रेंड जो सम ऑफ कॉर्नर हमारा मिल गया है 9। और 9 की पॉसिबिलिटी कैसे है, इसका मतलब है कॉर्नर में जो भी हमारा नंबर है, जो कॉर्नर में हमारा तीन नंबर है उसका सम हमें मिल गया है 9, और जो नंबर हमें गिवेन है उसमें आप पॉसिबिलिटी देखेंगे तो ओनली वन पॉसिबिलिटी है 1, 3 और 5 को, ओनली वन वे टू गेट 9 इज 1 + 3 + 5, राइट फ्रेंड्स। इसका मतलब फ्रेंड कॉर्नर में नंबर हमें तीन मिल चुके हैं 1, 3, 5, अगर हम 1 को यहाँ प्लेस कर देते हैं 1, यहाँ कर देते 3,
और यहाँ कर देते हैं 5, 1, 3, 5। तो ये 3 नंबर हमें फ्रेंड मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं लेफ्ट साइड, चेक करते हैं 1 और 3 में, 1 और 3 का साइड चेक करेंगे फ्रेंड। तो 1 और 3 के साइड को अगर हम चेक करेंगे फ्रेंड, तो ये सम कितने होने चाहिए, 30। इसका मतलब कि बाकी 2 नंबर का एडिशन वैल्यू कितना होना चाहिए, अगर हम 30 में से -1 और -3 कर दें तो हमें मिल जाएगा आपको 26। और 26 इसका मतलब कि ये जो 2 नंबर है इसका जो सम है वो होना चाहिए 26। और 26 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, जो हमारा गिवन नंबर है उसके लिए 2 ही पॉसिबिलिटी हो रही है फ्रेंड, वो एक है 17+9 और 11+15, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट साइड चेक करते हैं फ्रेंड, लेट साइड हम चेक कर लेते हैं अभी आपका 3 और 5 का, दिस साइड 3 और 5। तो 3 और 5 के लिए टोटल नंबर है 30, अगर हम सोचे 3 माइनस कर दें और 5 भी माइनस कर दें तो आपका नंबर बचता है 22। और 22 के पॉसिबिलिटीज क्या है इसमें से आप देख सकते हैं, चेक करेंगे तो आपको 2 पॉसिबिलिटी इसमें भी मिलेगी। फर्स्ट है आपका 7+15=20 या और 9+13=22, राइट फ्रेंड। 2 पॉसिबिलिटी हमें यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिली। लेट्स चेक, साइड चेक करेंगे फ्रेंड हम, अब ये साइड भी चेक कर लेते हैं 1 और 5 का। तो 1 और 5 के लिए चेक करेंगे तो इसमें से भी 30 -1 -5 जाएगा, तो आपका कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा 24। और बचे हुए जो नंबर है 135 के अलावा, ये 135 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका था, इस नंबर में से पॉसिबिलिटी है 24 के आपके यहाँ भी आपको मिलेगा 7+17 और दूसरा पॉसिबिलिटी होगा 9+15, राइट फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड हमें तीनों साइड के लिए 2-2 पॉसिबिलिटीज मिली है। अब 2 पॉसिबिलिटी में से कौन सा 1 होगा वही हमें चेक करना है। तो लेट्स चेक, तो हम केस 1 लेंगे और दूसरा लेंगे केस 2, राइट फ्रेंड। अगर हम इस साइड को लेते हैं, अगर 1 और 3 में, जस्ट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 1 और 3 में अगर हम इसे लेते हैं, इसको हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं 1 और 3 में, 11 और 15 को अगर डालते हैं तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 1+11+15+3 हमारा होना चाहिए 30। और तब सेकेंड साइड में 3 और 5 में कौन सा होगा फ्रेंड, क्योंकि हमने यहाँ 11 और 15 ले चुके हैं, इट मीन्स 11 और 15 नंबर तो यहाँ पे होगा नहीं, ये नंबर लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने 11 और 15 1 और 3 को असाइन कर दिया है। तो 11 15 इस साइड में चला गया है, तो सेकंड में हमें 11 और 15 वाले जो नंबर है वो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, तो इस पॉसिबिलिटी को हमको लेना पड़ेगा 1 और 3 और 5 के लिए। 3 और 5 साइड के लिए हमने पॉसिबिलिटी लिया है 9 और 13। चलिए ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ हमने ऐड करेंगे 3+9+13+5 भी हमारा हो गया 30। अब फ्रेंड 2 साइड 30 हो गए, थर्ड पॉसिबिलिटी अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने ले लिया है साइड 11, 15 और 9 और 13। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, 15 ऑलरेडी हमने असाइन कर चुका है तो ये साइड तो होगा नहीं, इसका मतलब कि हमें ये लेना होगा केस 1 के लिए। तो इसको भी चलिए चेक कर लेते हैं साइड पे 1 और 5 के लिए, तो 1+7+17+5 करेंगे तो होगा 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड केस 1 में हमें तीनों साइड का सम 30 मिल चुका है। लेट्स चेक केस 2 भी हमें चेक कर लेते हैं। अगर केस 2 अगर हमने 1 और 3 के लिए
11, 15 लिया था, अगर हम इसे लेते हैं 17 प्लस 9 को, तो फर्स्ट एडिशन क्या होगा, 1 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 3 होगा, तो ये भी फ्रेंड हमारा आ रहा है 30, राइट। ठीक है, अब 3 एंड 5 के लिए, अभी हमने 17 प्लस 9 को लिया है, इट मीन्स ये तो होगा नहीं, इस साइड को हमें चेक करना है, राइट फ्रेंड, 7 और 15 को, तो 7 और 15 को हम चेक करते हैं 3 और 5 के लिए, तो 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 5 करेंगे, तो इसका आंसर भी होगा फ्रेंड 30। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट, केस टू में हमने फर्स्ट में ये साइड लिया है, तो अब हम ये साइड का चेक कर रहे हैं, तो 17 प्लस 9 हमने लिया है 1 एंड 3 के लिए, तो उसका वैल्यू आया 13। अब 17 और 9 में आप देख सकते हैं कि सेकंड में हमें 9 नहीं ले सकते क्योंकि हमने साइन कर दिया, तो ये वैल्यू हम दे रहे हैं 3 और 5 के लिए, तो जिसका कि 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 5 भी हमारा आ गया है 30। तो थर्ड केस चेक करते हैं फ्रेंड, 1 एंड 5 के लिए क्या बच गया है फ्रेंड, 9 और 15, तो लेट्स चेक इट, 1 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 5, एंड थर्ड साइड के लिए लेफ्ट आउट नंबर क्या हो जाएगा, 9 और 15, राइट, 1 एंड 5 के लिए केस 2 में थर्ड नंबर 9 और 15, लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड 9 भी ऑलरेडी असाइन है, 15 भी ऑलरेडी असाइन है, तो ये नंबर हम यहाँ असाइन नहीं कर सकते, इसलिए केस 2 हो नहीं सकता, राइट, तो केस 2 नहीं होगा और केस 1 आपका परफेक्ट नंबर बैठ रहा है, इट मीन्स हमें 1 और 3 के साइड में नंबर लेना होगा, आपका होगा 11 एंड 15, राइट, एंड 3 और 5 के नंबर लेना है हमें 9 और 13, यहाँ हम प्रेस कर देंगे 9, यहाँ आ जाएगा 13, और 1 और 5 के नंबर पे लेना है हमें 7 और 17, यहाँ की यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 17, तो यस फ्रेंड देख सकते हैं, तो 1 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 3 हो गया आपका 30, 3 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 हो गया 13, 30, 1 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 5 भी हो गया हमारा 30, तो सारे नंबर यूज हो चुके हैं फ्रेंड विदाउट रिपीटेशन, तो इस मैजिक ट्रायंगल सम ऑफ 30 का फाइनल वैल्यू होगा फ्रेंड ये, फर्स्ट साइड होगा हमारा 1 7 17 5, सेकेंड हम लेंगे 1 11 15 3, और थर्ड होगा 3 9 13 5, तो फ्रेंड इस तरह से इस मैजिक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो चलिए फ्रेंड इसी तरह के फेमस मज़ेदार ट्रिकी पजल विथ सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो चलिए फ्रेंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ इस YouTube मैजिक ट्रायंगल के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, देखिए क्या वो सॉल्व कर पाते हैं इस मैजिक ट्रायंगल सम ऑफ 30 को, बाय बाय फ्रेंड्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।